बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्लू से लोग नफरत क्यों करते हैं? इमाम हुसैन का वाक्या। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो नाज़रीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। आप इसकी हकीकत सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए नाज़रीन, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नाज़रीन, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात ये, और आपने इसके इस बारे में ज़रूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर रहना पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आप इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताएं कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम ने यह सुना तो आप फरमाने लगे कि ए शख्स, ये परिंदा को जैसा तो आज दिख रहा है ये हमेशा वैसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक्या पेश आया, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाक्या, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हजरत इमाम फरमाने लगे कि ए शख्स, ये परिंदा हजरत मोमिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ है उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुँचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, एक परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि कल यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा ज़िद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहां रुकने की इजाज़त दे दी। उसने उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया उसने अपनी आंखों के साथ देखा। हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। इस जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसान के लिए नफरत बैठ गई और इंसान पर से उसका भरोसा उड़ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों की परछाई भी उस पर न पड़ सके। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब कभी भी वो आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। अब वो उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इस तरह नाज़रीन, उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोली देता है
तो ये सोचती है कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग वो इसके बोलने की वजह से अपने घर बार छोड़ देते हैं। नाज़रीन ये भी याद रखे कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखे कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है। चाहे ये रात में बोले या दिन में बोले, तो नाज़रीन आप इन बातों से हमेशा दूर रहे, आप इन बातों से हमेशा बच कर रहे। आइए हम आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प हकायक बताते हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कोई 205 किस्म के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक ब्राउन उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाज़रीन याद रहे कि चूहे, गिलहरियाँ, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकौड़े वगैरह इंसान के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है और इसीलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। नाज़रीन आपको बताते चले कि आमतौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाते हैं जो ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। उसके अलावा खंडरों और इमारतों में इनमें भी ये घोंसले बनाते हैं। आपको बताते चले कि उल्लू से मुतालिक दिगर बातों के अलावा इंसान को खातिब करते हुए एक गलत बात ये भी भूली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आँखों को घुमाने में मजबूर होता है, वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। जिस्म के पर दीगर परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसीलिए जब ये उड़ता है तो उसके परों की बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। नाज़रीन याद रहे कि मुख्तलिफ मालिक में उल्लू से मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं, जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनमूसी समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान के घरों पर उल्लू बैठकर बोलना अच्छा सगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र करने से सेहत याबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आप उल्लू को मनहूस नहीं समझेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।